नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपने कभी उस राजा को देखा है जिसकी कुर्सी छीन जाए, जिसके सिर से उसका ताज उतर जाए और जिसके हाथ से उसके सारे करिंदे छीन जाए? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का हाल कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले उनके हाथ से सत्ता निकल गई, अब पार्टी को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसमें हर दिन एक नई मुसीबत आ रही है, एक नया मोड़ आ रहा है। अब अगर हाल ही के घटनाक्रम की मैं बात करूं, तो एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। एकनाथ शिंदे गुट ने पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुन लिया गया है। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगा रहा है। विधायक दीपक केसरकर की प्रवक्ता के तौर पर नियुक्ति की गई है। शिवसेना नेता के तौर पे रामदास कदम और आनंद राव अटसूल को नियुक्त किया गया है और शिवसेना के उप नेता के तौर पे यशवंत यादव, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सामंत, विनय नाहटा, शिवाजी राव पाटिल को चुना गया है। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13-14 सांसद ऑनलाइन प्रेजेंट थे, दिख रहे थे। पहले ही शिवसेना के 55 विधायक दो गुटों में बंट चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को 40 विधायकों का सपोर्ट समर्थन प्राप्त है, जबकि 15 विधायक पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वहीं अब शिंदे गुट ने 12, ये कहिए कि 14 सांसदों के साथ आने का दावा किया है। एक हफ्ता पहले ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सांसदों की बैठक ली थी और ये बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हुई थी। ज्यादातर शिवसेना सांसदों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही थी। इस बैठक में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने भाग लिया था। 18 लोकसभा सदस्यों में से 15 ने उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर जाकर के वहां की बैठक में हिस्सा लिया। बहरहाल सांसदों के सुझाव को मानते हुए उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन करने का ऐलान किया था, क्योंकि पहले से ही बागी विधायकों की वजह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। इसलिए अब पार्टी बचाने के लिए सांसदों का साथ चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में 18 लोकसभा सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में और दमन और दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद है। वहीं राज्यसभा में शिवसेना के 3 सांसद भी हैं। तो हालात जो हैं उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अच्छे और मुनासिब नहीं कहे जा सकते। उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, लगातार बढ़ रही हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, उनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है। अब शिवसेना को बचाने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया बवाल उनके सामने आ रहा है, वो उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन आज जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, इससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ चुकी है। अब आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी और नई खबर के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।